तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है उत्तर अफ्रीका का एक देश है। देश का नाम जो है लीबिया। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है लीबिया। तो दोस्तों, चलिए इस देश के संपर्क हम सब कुछ एक एक करके जानते हो। देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है और इंडिया के साथ रिलेशन क्या है। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, वो देश की जो है जो राष्ट्रीय झंडा और मौजूदा जो राष्ट्रीय झंडा वो मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए इस देश की संपर्क हम सब कुछ एक एक करके जानेंगे। वो देश के साथ रिलेशन इंडिया के साथ क्या है, और मैं आपको दिखाऊंगा गूगल मैप की मदद से वो देश कहाँ पर है, फुल HD में बड़े स्क्रीन पर वो देश कहाँ पर है। लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन है वहां ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों, उत्तर अफ्रीका के एक देश है, देश का नाम जो है लीबिया, जो मैं आपको फुल HD में बड़े स्क्रीन पर और गूगल की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, यहां पर आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये जो है आपको नजर आ रहा है हमारा इंडिया। हाँ दोस्तों, ये जो है हमारा इंडिया नजर आ रहा है, और इंडिया के जो बहुत दूर है मतलब अफ्रीका के उत्तर में स्थित है एक देश, देश का नाम जो है लीबिया। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा भूमध्य सागर के बिल्कुल पास में स्थित है वो देश, देश का नाम जो है लीबिया, जहां पर 90% से ज़्यादा जो है इस देश की सहारा मरुभूमि इलाका में लगता है। आप जब ध्यान से देखेंगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा वो देश की जो राजधानी सबसे बड़ा शहर, और राजधानी और सबसे बड़ा शहर के बिल्कुल साइड में स्थित है वो देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ दोस्तों, त्रिपोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये जो है वो देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो वो देश की राजधानी के बिल्कुल बाजू में स्थित है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, देखा। हाँ दोस्तों, त्रिपोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से जो है फ्लाइट जाता है इंडिया, और इंडिया से भी फ्लाइट यहाँ पर आता है सबसे ज़्यादा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर हम ये देश के आयतन की बात करें तो 17.5941 वर्ग किलोमीटर देश की जो है आयतन। हाँ दोस्तों, 16 नंबर पे आता है पृथ्वी के अंदर सबसे बड़ा देश। हाँ दोस्तों, ये जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा मैं वो देश की राजधानी के बिल्कुल साइड में दिखा रही हूँ वो देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए वो देश की और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वो देश की राजधानी के बिल्कुल करीब है और भूमध्य सागर के बिल्कुल पास है। ये देख लीजिए त्रिपोली वो देश की जो है राजधानी, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। आप जब ध्यान से देखेंगे मैं आपको और भी जूम करके यहाँ पर जो है फर्स्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, देखा। हाँ दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए और इसके कुछ अहम हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, भूमध्य सागर के बिल्कुल पास में स्थित है लीबिया। हाँ दोस्तों, लीबिया भूमध्य सागर के बिल्कुल पास स्थित है, और उत्तर में जो है भूमध्य सागर स्थित है, पूर्व में जो है मिस्र या कह सकते हो इजिप्ट, और दक्षिण पूर्व में जो है सूडान, और दक्षिण में जो है चाद और नाइजर, और पश्चिम में जो है अल्जीरिया और ट्यूनिशिया। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है देश के कुछ अहम हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, देखा। तो दोस्तों, तामासिक और इटालियन ये देश की जो है कह सकते हो एक ऐसा भाषा है जहाँ पर इस देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन ये देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो जो है अरबी है। हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए इस जगह पर जो है वो देश की कुछ अहम हिस्सा, ये देख लीजिए यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ गूगल मैप की मदद से, ये जो है ये देश की एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ दोस्तों, जो राजधानी में स्थित है, यहाँ पर बड़े बड़े प्लेन भी यहाँ पर खड़ा है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, देखा। हाँ दोस्तों, 10 फरवरी 1947 में जो है ये देश स्वाधीन हुआ है, और इस देश के संविधान जो है पास है बहुत कुछ अहम दिन में है। तो दोस्तों, और भी है 24 दिसंबर 1951 में जो है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए वो देश की जो है कुछ अहम हिस्सा, जो वो देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो देश की राजधानी में स्थित है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये देश जो है एक मुस्लिम बहुल देश है। हाँ दोस्तों, इस्लामिक इंसान जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर 97% जो है इस्लाम की धर्म के लोग यहाँ पर रहता है। उसके बाद अगर कोई धर्म के लोग यहाँ पर रहता है वो जो है 2.7%। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इस देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, या कह सकते हो व्यापार सबसे ज़्यादा होता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है एक पोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, क्योंकि वो देश की राजधानी के बिल्कुल बाजू में स्थित है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, देखा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर से जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए बड़े बड़े कंटेनर भी आपको नजर आ जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर जूम करके भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर जो है बड़े बड़े कंटेनर आपको नजर आ जाएंगे, जहाँ से इस देश की जो है कुछ सामान दूसरे देश में जाता है, और दूसरे देश से सामान जो है इस देश में आता है। लीबिया मैं आपको दिखाने की
कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा लीबिया की जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जो है एक अहम हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा है हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यदि इसकी जीडीपी की बात करें तो 50.326 बिलियन इसकी जो है टोटल जीडीपी, जहां पर इंडिया जो है 5 नंबर पे आता है दुनिया के अंदर। हाँ दोस्तों, इंडियन जीडीपी की अगर हम बात करें तो दोस्तों 3.535 ट्रिलियन मतलब जो है इंडिया की जो है टोटल जीडीपी। हाँ दोस्तों, देख लीजिए कुछ अहम जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश के हिसाब से ये देश में जो जनसंख्या बहुत कम है और वो जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहता है जो है भूमध्य सागर के बिल्कुल पास या कह सकते हो राजधानी के आसपास, क्योंकि यहाँ पर इस देश में 90% से ज़्यादा जो है सहारा मरुभूमि। हाँ दोस्तों, ये देश में 90% से ज़्यादा जो है इस देश में सहारा मरुभूमि, और ये देश में जो है 3 सबसे जनबहुल जगह है, कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इंसान रहता है 3 शहर में, त्रिपोलितानिया जो कह सकते हो वो देश की राजधानी, और दूसरे नंबर पे आता है फेज, और तीसरे नंबर पे आता है सिरेनाइका। तो दोस्तों ये 3 ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसान यहाँ पर रहता है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो भूमध्य सागर के बिल्कुल साइड में जो बहुत सारा इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट, वो भी एक एक करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों अफ्रीका के अमीर देश के अंदर, कह सकते हो अफ्रीका के धनी देश के अंदर ये देश जो है आता है, और यूएन की सदस्य हुआ है ये देश 1955 में जो है ये देश यूएन की सदस्यता प्राप्त किया है, और ये देश की एक विप्लवी और ये देश की एक राजनीतिविद था जो गद्दाफी। हाँ दोस्तों, वो देश के हिसाब से ये जो है एक हीरो है। हाँ दोस्तों, और ये देश में इंडियन दूतावास है, और इंडियन दूतावास ये देश में जो इंडियन दूतावास है ये देश में स्थित है, और ये देश की दूतावास जो है इंडिया की जो दिल्ली है वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देख लीजिए एक एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो इंडियन दूतावास है, एक समय ऐसा था जो इंडियन दूतावास को जो है उस देश के पड़ोसी देश ट्यूनिशिया में जो है ट्रांसफ़र करना पड़ा था, क्योंकि वो देश में जो है एक गृह युद्ध हुआ था, और जो है ये युद्ध की वजह से जो है 2011 में जो है गद्दाफी उसका मौत हो गया था। हाँ दोस्तों, एक विप्लवी था उसका जो मौत हो गया था, इसलिए जो है इंडियन दूतावास जो है कुछ समय के लिए जो है अस्थायी के रूप से जो है ट्यूनिशिया में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए कुछ अहम हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देश में जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है 1984 में जो है लीबिया गया था। हाँ दोस्तों, इस देश में आया था, और इस देश में जो है कुछ अहम चुक्ति भी हुआ है, और कुछ अहम ऐसा प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहा है और कर रहा था जहाँ पर वो दोनों देश को जो है हित है। तो दोस्तों इंडिया जो है हर समय लीबिया को जो है समर्थन किया है, और लीबिया जो है इंडिया को हर समय समर्थन किया है। यूएन में स्थायी सदस्य के लिए जो है लीबिया भारत को हर संभव मदद करता है, और भारत के पक्ष में जो है वोट दिया है। हाँ दोस्तों, और 1973 में जो है एक वोट दान के समय जो है भारत उपस्थित नहीं था, क्योंकि वो देश और जिस देश के खिलाफ वोट देना था दोनों देश जो है भारत के मित्र देश है। तो दोस्तों चलिए, इस देश की पॉपुलेशन, इस देश की वाटर, इस देश की जो ऑफिशियल नेम, और देश के नेशनल एंथम क्या है हम एक एक करके देख लेते हैं। लेकिन और भी मैं आपको बताऊंगा ये देश में इंडियन क्या क्या काम करता है और इंडियन कितने रहता है, चलिए एक एक करके हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये देश की जो है नेशनल एंथम, और देश के ऑफिशियल नेम, और देश की कुछ लैंग्वेज। तो दोस्तों एक एक करके हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, देश की जो है नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ अरबिक भाषा में। यहाँ पर देख लीजिए, और देश का ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ लीबिया, देश की जो है ऑफिशियल नेम कैपिटल जो है त्रिपोली, वो देश की जो है जो राजधानी यार ये देश की जो है सबसे बड़ा शहर। ये देख लीजिए भाषा की बात करते हैं, देश में अरबिक वो देश का ऑफिशियल भाषा। धर्म की बात करते हैं जो इस्लाम सबसे ज़्यादा रहता है 97%। और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर, इसका नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, और इस प्राइम मिनिस्टर की इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए वाटर की बात करते हैं, 0% देश की जो है पानी है, जो बहुत ही कम है, बहुत कम पाया जाता है खाने वाला पानी। टोटल जीडीपी की बात करें तो 50.326 बिलियन देश की टोटल जीडीपी। कॉलिंग कोड की बात करें तो +218 देश की कॉलिंग कोड। और देश की पॉपुलेशन की बात करें तो 75 लाख। हाँ दोस्तों, 75 लाख देश की पॉपुलेशन, और यहाँ पर इंडियन जो रहता है 20,000 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। कुछ कुछ काम के क्षेत्र में रहता है, और कुछ कुछ जो यहाँ पर घूमने भी जाता है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं वो देश जो है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। आप जब ध्यान से देखेंगे मैं आपको ग्लोबल मैप की मदद से दिखाने की कोशिश करी हूँ वो देश जो है कहाँ पर है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये देश कहाँ पर है, और इंडिया और ये देश कहाँ पर है, ये जो है मैं आपको एक मैप के जरिए दिखाने की
कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, और ये देश की जो है अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो आप जब ध्यान से देखेंगे 90% से ज़्यादा जो है ये देश में जो है गर्मी सबसे ज़्यादा रहता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वक्त के साथ साथ जो है ये देश की जो नेशनल फ्लैग है वो बदल गया है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कौन से साल में कौन सी नेशनल फ्लैग था। हाँ दोस्तों, और यहाँ पर राज्य की बात करें तो ये देश में जो है 22 राज्य है। हाँ दोस्तों, 22 राज्य है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। ये देख लीजिए कौन कौन सी जगह जो है ये देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल पाया जाता है, क्योंकि इंडिया भी जो है इस देश से जो है पेट्रोल डीजल भी खरीदता है। तो दोस्तों ये देश की जो राजधानी वो उसकी जो नक्शा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वो देश की जो है बड़े बड़े शहर है। हाँ दोस्तों, बड़े बड़े शहर है और सारे शहर जो है बहुत ही खूबसूरत है शहर। हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो दोस्तों चलिए एक शहर में एक ऐतिहासिक जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये जो है एक देश की एक ऐतिहासिक जगह है। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं आपको एक एक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों वो ये देश में जो है इंडिया की कुछ शिक्षक है जो यहाँ पर पढ़ाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर भी है। और ये देश की जब विवाद हुआ था तब जो है इस देश की 2 जहाज और 50 से ज़्यादा जो है फाइटर जेट जो है भारत आया था उसको रिपेयरिंग करने के लिए। हाँ दोस्तों, और इस देश में जो है भारत की हॉस्पिटल है। हाँ दोस्तों, कह सकते हैं हॉस्पिटल है। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक कुछ यहाँ देख लीजिए ये देश की जो प्राइम मिनिस्टर, इसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे ये देश की जो प्राइम मिनिस्टर, इसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और आसपास में जो है यहाँ पर जो है वो देश बहुत सारे देश के साथ जो संबंध अच्छा रखता है उसका भी इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों इस देश में जो है भारत की इलेक्ट्रिक सेंटर है, विमान बंदर है और बात इस देश में जो किया गया है ये देख लीजिए। एक पॉपुलर खाना ये देश की वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश की जो है बहुत ज़्यादा सहायता किया है भारत, क्योंकि उस देश में वार के समय जो है बहुत ज़्यादा इस देश में खाने को किल्लत हो गया था। तो दोस्तों भारत ने जो है $1 मिलियन इस देश को पैसा दिया है और $1 मिलियन की जो है दावा इस देश को दिया गया था। और उस देश का जो लड़का लड़की भारत आता है तो उसको जो है स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। तो दोस्तों इस देश से जो है भारत ऑयल खरीदता है लेकिन बहुत ही कम। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ उत्तर अफ्रीका के एक देश का नाम जो है लीबिया। और भी देश को संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में जो भी लिखना चाहिए कॉल सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो।